हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड कलर इंस्टा लाइव। और मैं हूं आपके साथ रूपाली, और हम कुछ ही देर में आकांक्षा पुरी के साथ लाइव होने वाले हैं। तो आप अपनी क्वेश्चंस रेडी रखिएगा। वैसे इट्स लॉकडाउन और आप लोग, मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे और यू नो कुछ कुछ क्रिएटिव जरूर कर रहे होंगे। वेटिंग वेटिंग। हाय करुण, आई एम फाइन। हाय सोना, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाय सोना चौधरी, इट्स ओके। संदीप जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हाय तरुण, हाय एवरीवन। सो वी आर वेटिंग फॉर आकांक्षा। जल्दी से आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा। हम अभी आकांक्षा से बहुत सारा एंटरटेनमेंट करने वाले हैं, बहुत सारी बातचीत करेंगे और बहुत सारी कुछ चीजें जानेंगे कि वो अभी लॉकडाउन के समय क्या क्या कर रही है। हेलो भारत, हाय एवरीवन। आई थिंक कुछ थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है शायद, बट हम जल्दी लाइव होने वाले हैं। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? वेरी नाइस। आई थिंक आपका नेटवर्क इज नॉट वेरी गुड। आई फाइन, आई एम, या मैं फुल नेटवर्क में हूँ। आई थिंक आपका नेटवर्क थोड़ा खराब है रूपाली, बिकॉज अभी आई ब्लड। यस, लाइक योर लिटिल ब्लर एंड नॉट इन गुड नेटवर्क आई गेस। Yes, your voice is coming. Check my network. I can see you, I can hear you, but a little blur. So, okay. What's... Creative and lockdown. Yes, network. Again, we are going to... Yes. Yes. अभी आई आवाज? अभी मैं दिख रही हूँ? ओके ओके, ग्रेट। बट सी, दिस इज माय फेवरेट कलर व्हिच यू आर वेयरिंग, सीरियसली ब्लू। थैंक यू, यू आर लुकिंग सो क्यूट। एंड टेल मी, हाउ इज द लॉकडाउन गोइंग ऑन? चल रहा है सबका? सो हाउ इट्स? ओह, मैं इंदौर में हूँ, मुंबई में। सो यू आर इन इंदौर, राइट? और सो हाउ मच यू आर मिसिंग मुंबई? ज्यादा कैमरा मिस कर रही हूँ मैं। आई वांट टू शूट, मैं वेट नहीं कर सकती सेट में जाके अपना मेकअप रूम मिस कर रही हूँ। सो आई थिंक अभी इतना ज्यादा बैठने की आदत ही नहीं रही है हम लोगों को, आई एम श्योर किसी को भी नहीं। एंड जस्ट अब लग रहा है बस अब जल्दी से काम पे बुला लो एंड वांट टू गेट बैक टू वर्क। यस, और जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो जाए। शुरू में तो क्या था ना, सारे लोग बहुत पैनिक हो गए थे एंड देवर अपने घर से बाहर भी आ रहे थे, घूम रहे थे एंड ऑल, बट नाउ आई थिंक दे ऑल आर पॉजिटिव। अभी सबको समझ में आ गया है कि जितना करते रहेंगे उतना जल्दी लॉकडाउन खत्म होगा। एक वीडियो डाला था और उन्होंने भी बोला कि जो डर गया वो समझो बच गया, तो आई कंप्लीटली एग्री विद हिम एंड आई फील ये बेटर है हम लोग डरे और डर के अपने घर पर रहें, तो आई थिंक वही बेटर होगा। और कोई तरीका नहीं है कि यू कैन हेल्प अदर्स, सो आई थिंक पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट and I see a lot of my friends and everyone getting too creative about this lockdown. Yes, yes, they are understanding. In a way, it's good. Actually, they are utilizing. So, how are you utilizing your lockdown? I'm loving the routine. क्या कुछ कर रहे हो? जो एक discipline आ गया है मेरे पूरे routine में, you know, हर चीज़ का एक time fix हो गया है जो पहले कभी नहीं था। खाने से लेकर breakfast का and workout का and mom dad के साथ बैठकर चाय पीने का, TV देखने का and time पर सोने का, उठने का। तो I think I'm enjoying all of that in discipline because you know it helps you to be healthy and बहुत अच्छी बात है जो पहले नहीं थी and I'm sure ये चीज़ हम right और हम लोग और एक्टर्स को क्या होता है ना, टाइम नहीं मिलता उतना फैमिली के साथ। हेयर, डाइट, बहुत चीजों का अपने ऊपर ध्यान। थैंक यू, काफी लोग मुझसे मेरी टिप्स पूछते रहते हैं, आई थिंक ये टाइम है। कुछ मैंने पुरानी वीडियो शेयर की, तो यू नो स्पेशली यहाँ पर क्योंकि अभी इतनी चीजें बाहर अवेलेबल नहीं है, होम रेमेडीज में बहुत सी चीजें जो आप घर रहकर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई एम ट्राइंग टू शेयर विद माय फैंस एंड फॉलोअर्स।
या वही कर रही हूँ मैं क्रिएटिवली. तो आई एंड दिस इज द बेस्ट टाइम एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों को वैसे टाइम नहीं मिलता है, हम लोग तो बिजी शेड्यूल रहता है. तो बस अभी हम लोग के पास प्रॉपर टाइम है, घर वालों के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, तो आई थिंक आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट और मजा आ रहा है. राइट. सबको हमेशा कहती हूँ, मेरे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने कुछ चीजें शेयर की थी जिसमें यू कैन पुट एग व्हाइट या कुछ चीजें, एप्पल साइडर विनेगर, बट अभी हम लोग घर में है, कुछ चीजें नहीं है अवेलेबल. आई अग्री, मुझे खुद नहीं मिल रही है काफी चीजें. तो यू नो घर में रहकर जो चीजें अवेलेबल है उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं. लाइक ऑयल सबके घर में होता है, अच्छा खाना आदि चीजें तो सॉर्ट आउट हो गई, बिकॉज हम लोग बाहर नहीं खाना खा रहे हैं. यू नो एंड घर का खाना हेल्प्स यू टू बी हेल्दी एंड इट्स हेल्पिंग मी यार. और एक रूटीन सेट करना बहुत जरूरी होता है, जो मैं सबको बोलती हूँ. इट हेल्प्स यू टू लूज वेट एज वेल, बिकॉज यू व्हेन यू ईट ऑन टाइम एंड यू नो प्रॉपर इंटरवल्स पे, एंड दैट शोज ऑन योर स्किन एंड योर हेयर, बिकॉज व्हाट यू ईट शोज ऑन योर फेस. सो मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं हमेशा केयरफुल रही हूँ अपनी डाइट को लेकर. आई ईट हेल्दी एंड ऑब्वियसली इतनी चीजें मेरे पास भी नहीं है अवेलेबल, और मैं तो प्रिपेयर्ड भी होके नहीं आई थी. आई डिडंट नो कि मैं यहाँ एक दो महीने के लिए आई बी स्टक, बट यू नो सब लोग मैनेज कर रहे हैं और काफी अच्छे से कर रहे हैं. आई एम श्योर आप लोग सब भी कर रहे हो, एंड लेट्स टेक इट इन अ पॉजिटिव वे यार, लाइक राइट डू इट टुगेदर. बिल्कुल बिल्कुल. हाय मधुरिमा, हाय राइट यू, राइट हाय रोज, एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर सेंडिंग मी लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. अभी ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा और ग्लो कर रहे हो, बिकॉज सी यू आर एट होम राइट नाउ, सो बहुत अलग फर्क. वहाँ जब हम शूट पे होते हैं काफी लाइट्स होती हैं, बहुत सारा मेकअप होता है एंड हेयर मेकअप रोज बहुत ज्यादा, स्पेशली रोल दैट आई एम डूइंग पार्वती माइथोलॉजिकल शो है, तो बहुत कुछ करना पड़ता है. तो अभी घर में वो सब नहीं है, प्लस घर का खाना है और एक टाइमिंग लाइक आई टोल्ड यू डिसिप्लिन सेट हो गया है. तो उन चीजों से दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई थिंक दैट वर्क्स, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट इज वर्किंग ऑन इन माई फेवर टू. So yeah, there are a lot of positive things that we can find out here in this lockdown, which I keep saying. So let's do that, because aur kuch to kar nahi sakte, there's no point tripping. And you know, people are very inspired by your videos also. मैंने बहुत सारी comments देखे, तो they are very inspired. इतने सारे, क्योंकि it's lockdown and कुछ लोग ना panic हो रहे हैं बार बार के, okay घर में है. मैं बिल्कुल जल्दी रहूँगा. So ऐसी videos लग डालते हैं ना, it's very good. Because I want to inspire my especially जो मेरे followers हैं, काफी लोग मुझे बोलते हैं कि हम ये नहीं ला सकते. कुछ लोग हैं जो शायद afford नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं जो ऐसी जगह पे रहते हैं जिनके पास अगर lockdown खत्म भी हो जाए तो वो चीजें अवेलेबल नहीं होंगी. Because I saw your video of that hair ना अभी दो दिन पहले ही शायद आपने उसको अपलोड किया था. It was with vinegar and that some oil और वो बहुत सिंपल था. मतलब ये सारी चीजें हमारे घर में अवेलेबल रहती हैं. मुझसे काफी लोग पूछते हैं आप सुबह उठ के क्या पीते हो, कुछ लोग मुझे ऐसी सी मेडिसिन, तो बहुत सिंपल चीज है जो मैं सुबह उठ के पीती हूँ. मैं सूखा धनिया रात को ग्लास में यू नो सोक करने के लिए रखती हूँ, सुबह उठ के वो पानी मैं पीती हूँ. इट्स लाइक मैं सौंफ का पानी अपने हर मील के बाद पीती हूँ. मैं तीन से चार बार पीती हूँ बॉइल करके सौंफ को, यू नो आफ्टर माय ब्रेकफास्ट लंच. सो इट्स गुड फॉर योर स्किन हेयर एंड इट्स लाइक इट हेल्प्स यू टू लूज वेट. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स. और ये सारी चीजें ना, धनिया और सौंफ एंड एवरीथिंग, दिस इज ऑल अवेलेबल इन किचन. मतलब ये हमारे नॉर्मल शेयर करूंगी. आई वॉन्ट मेरे साथ मेरे फैंस भी फिट रहे और ग्लो करें और इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं. बिल्कुल राइट. सो आकांक्षा अभी हम बात करते हैं, आपने इतना मतलब एक्टिंग का ऐसा कुछ बचपन से था समथिंग, हाउ यू स्टार्टेड योर एक्टिंग एंड ऑल, जस्ट शेयर योर फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर ऑडिशंस. सबसे पहला ऑडिशन कौन सा था आपका? एंड बिकॉज किंगफिशर के साथ में काम कर रही थी और सबको बताया द लॉट दैट हैपेंड विद किंगफिशर एयरलाइन. देन जैसे कंपनी वाज अबाउट टू शट, लकीली बिकॉज मैं इंटरनेशनल क्रू थी, हर दो तीन दिन का ऑफ होता था मेरे पास हर फ्लाइट के बाद. मैं उसमें काफी एड्स कर रही थी. आई हैव डन सम लाइक 80 90 ऑलमोस्ट 100 एड्स एंड प्रिंट्स कमर्शियल मैंने किए हैं फॉर साउथ ब्रांड्स.
तो साउथ में मेरा एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म था, इसीलिए मुझे मेरी wow. पहली तमिल मूवी ऑफर हुई. और तब कंपनी का एनीवेज आई वाज ऑन अ वर्ज ऑफ लीविंग द कंपनी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस दैट एवरीबॉडी नोज. सो यू नो उस तब मैंने स्टार्ट किया मेरी फर्स्ट. लकीली मैंने ऑडिशन नहीं, मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया. तो आपने ऑडिशन दे दिया उसके लिए? अच्छा, ऑडिशन नहीं दिया. आई वाज अ फेस ऑफ फॉर लॉट ऑफ ब्रांड्स. So that's how they noticed me, that's how they saw me, and I got a call from a casting company and unke production ke liye jo cast kar rahe the, and meri meeting hui, and luckily I cracked the meeting. So uske baad there was no looking back. Ek, and maine tab aviation completely chhod diya, bas wo start ho gaya. Maine do tamil, ha ek bas start ho gaya, ki kannada ki meri pehli debut thi jo Bollywood mein, wo calendar girls thi madhur pandarkar ke sath, aur bas कुछ सॉन्ग्स किए मैंने. और उसके बाद फिर ये पार्वती के लिए मैंने डेफिनेटली ऑडिशन किया, और काफी लड़कियों ने ऑडिशन किया था पार्वती के लिए. अराउंड 700 गर्ल्स ने ऑडिशन दिया था, एंड तीन बार तो मैंने मना कर दिया. माय गॉड, मुझे लगा शायद यू नो इट्स अ जोक, लाइक मैंने सीरियसली नहीं लिया. मुझे लगा मुझे पार्वती के लिए क्यों बुलाएंगे, यू नो. एंड उसी के पहले मेरा एक जहां तुम वो सॉन्ग रिलीज हुआ था जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी था, जिसमें मेरी गोल्डन बिकनी के लिए आई वाज क्वाइट फेमस. So I was like, ki, are you sure aap mujhe Parvati ke liye bula rahe ho? So wanted to do that, but main surprised thi ki ye log mujhe actually, but and that's the time I wanted to prove myself, and luckily mera audition bahut acha hua. Hindi pe mera command bahut acha hai because I come from MP, and mythological shows mein it's very important to have a good command over your language. So luckily mera look aur meri language mein yes. saath diya, yes. and I was in, and mera do teen बार एक ऑडिशन हुआ, लुक टेस्ट हुआ, स्क्रीन टेस्ट हुआ, एंड दैट्स इट. देन आई गॉट पार्वती, एंड आई एम हियर लाइक स्टिल डूइंग इट. ओह ग्रेट. यस यस, आई थिंक दैट इज योर फर्स्ट शो, टीवी शो, राइट? पार्वती बैकग्राउंड एंड सॉन्ग्स की है. सो आई हैव नेवर डन एनी, कभी मुझे पता भी नहीं था व्हाट टीवी इंडस्ट्री. ऑब्वियसली आई हैड सम फ्रेंड्स हु वर वर्किंग इन टेलीविजन, सो दैट्स हाउ आई न्यू, बट आई नेवर न्यू अबाउट you know what how exactly things work. Aur bahut alag hai movie se tv industry, but ha, because I think your aapke parents ke background dekhe to aapke papa he is from police background, right? And mummy, she is an astrologer, so that is totally different. Yeah, you know, I connection nahi tha because I had experience of 5 to 6 movies and kuch songs ka bhi, to experience tha mere paas. But tv obviously bahut alag hota hai, zyada mehnat hoti hai, because you know 12 to 14 hours aap kaam karte ho. Movie mein things are very different. तो डेफिनेटली जो लोग बोलते हैं, और प्लस हमारा सेट नायगांव लाइक 1.5 घंटे का ड्राइव है. सो आई डेफिनेटली फील कि जो मेहनत टीवी में होती है, एक जो स्ट्रेस होता है बिकॉज यू नो टेलीकास्ट इशू है, आपको 18 to 20 minutes का फुटेज देना है, तो वो मूवी में यू नो यू आर लिटिल रिलैक्स्ड बिकॉज यू हैव टाइम. लाइक ये थोड़ी सी चीजें होती है विच आई लर्न. सो आई थिंक इट्स जस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. द शो इज डूइंग गुड. So how was that moment? Yeah, it's really it's good going. How was that time जब आपने acting start किया? तो what was the reaction of your parents? क्योंकि पापा बिल्कुल police background से, तो उनका ऐसा कुछ reaction था कि मतलब आपको into acting और क्या? Supportive family, especially my mom and dad. Even when I was in aviation, I had complete support of my parents. And same when I entered एक्टिंग, तब भी मेरे मॉम डैड का सपोर्ट मुझे पूरा था. उन्होंने कभी इस चीज में इंटरफेयर नहीं किया अबाउट कि मैं क्या करियर चूज करती हूँ या मैं क्या करती हूँ. एंड यू नो इस चीज का आई थिंक सभी आर्टिस्ट को बहुत और किसी को भी बहुत फर्क पड़ता है. जब आपका एक बैकअप स्ट्रांग हो, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हो, तो बहुत जरूरी है. यू नो आपको बहुत बहुत जरूरी लेते, क्योंकि प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर. वेरी इंपॉर्टेंट. So, you know, and your family support is most important. And जिन लोगों से मैं मिलती हूँ, please किसी को pressurize मत करिए, especially because we stay in Mumbai. And you know, ऐसी गलतियाँ फिर बहुत लोग कर लेते हैं. मैंने देखा है बहुत सी, lot of girls, you know, doing, choosing some wrong things. So I was lucky because I had support of my family, and that's why I'm here. And I feel blessed. Yeah, I feel blessed for this. Yeah, that's great. So अच्छा हम बात करें अगर बिग बॉस 13 की, तो रिपीटेशन इज कमिंग रात को, तो आप देखते हो, देख रहे हो रिपीटेशन जो रात में आ रहा है? नहीं,
अच्छा अगर हम बात करें कि बिग बॉस जैसे आपको ज्यादा अच्छी काफी लगी, बार बात टॉक अबाउट की है बिग बॉस जर्नी, मुझे डेफिनेटली शहनाज और आसिम की बहुत अच्छी लगी बिकॉज मुझे वो लोग बहुत रियल लगे एंड उन लोगों को मैं इतना नहीं जानती थी पहले, बट उन लोगों ने अपने लिए खेला है, खुद के लिए खेला है, तो आई वॉज लाइक ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ लाइक स्पेशली आसिम मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट रहे. सिद्धार्थ हु इज अ विनर एंड ऑब्वियसली हम लोग सब उन्हें जानते थे पहले से, ही हैड बीन अ फेस, बिग फेस एंड सब लोग उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, फैंस थे, बट बिना इन सब चीजों के इतना आगे आना जो लाइक टॉप थ्री में आसिम, शहनाज एंड सिद्धार्थ, तो आई थिंक दैट्स कमेंडेबल एंड इसीलिए मुझे उनकी जर्नी सबसे ज्यादा अच्छी लगी. बट इनफैक्ट आरती ने भी मुझे लगता है एज अ पर्सन उन्होंने बहुत अच्छा खेला, सो ना शी केम आउट एज अ वेरी नाइस पर्सन एंड मुझे इनफैक्ट कुछ लोगों को देख के मे बी आप एक माइंड सेट बना लेते हो, बट लॉट ऑफ थिंग्स चेंज आफ्टर आई सॉ हर जर्नी इन बिग बॉस एंड आई रियली शी वाज वन ऑफ माई फेवरेट्स. ओके तो अभी आप रिसेंटली किसी से मिले हैं सारी कंटेस्टेंट से, रश्मि और देवोलीना, किसी से अभी मिले हो आप? बाद में कि मैं किसी से मिलूं, सो आई हैव नॉट मेट एनीवन, बट या इवेंट में मुझे मैंने रश्मि को देखा था एक इवेंट में जिसकी न्यूज भी आई थी एंड आई हग्ड हर, मैंने उन्हें थैंक्स दी, मैंने उन्हें सो आई थिंक एक वो बहुत छोटा सा मोमेंट था, बस मैं उन्हें जानती तो नहीं हूँ पर्सनली, बट आई ऑब्वियसली उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है बिना मुझे जाने, एंड एक थैंक यू मेरे साइड से पर्सनली बनता था जो मैं उन्हें देना चाहती थी एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड डू दैट एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई मेट. So, कुछ प्लानिंग है फिर आपको बिग बॉस 14, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है बिकॉज ऑलरेडी इतना सारा चीजें आपने देखी बिग बॉस 13 में और तो लगता है कि यू कैन गो फॉर बिग बॉस 14 में जाऊंगी, सो शायद मैं दूसरा सीजन खेल रही होंगी, बट आज ऑफ आई सीजन के विनर भी हो जाओगे बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू ऑलरेडी मेरा विघ्नहर्ता का गणेशा शो चल रहा है एंड द शो इज डूइंग रियली गुड, सो लेट्स सी बिकॉज अभी काफी टाइम है एंड आई एम श्योर ये लॉकडाउन की वजह से चीजें बहुत पोस्टपोन भी होंगी, तो आई डोंट नो कब क्या स्टार्ट हो रहा है, बट डेफिनेटली इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई वुड डेफिनेटली डू अ रियलिटी, बस मुझे लगता है मैं काफी अच्छे से कर सकती हूँ और रियल रह के भी लोग ऑनेस्टली भी एक अच्छा गेम खेल सकते हैं ये मैंने देखा है, तो आई थिंक आई वुड लव टू डू इट इन फ्यूचर, बट आई एम नॉट श्योर कि इस बार करूंगी कि नहीं करूंगी बिकॉज डिपेंड्स ऑन वट वर्क आई एम डूइंग दैट टाइम एंड राइट नाउ आई एम बिजी विद पार्वती, सो यस. ओके एंड इफ आई टॉक अबाउट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी, वो कैसा लगता है वो देखते हो आप? मुझे बहुत पसंद है खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस तो मैंने इतना ज्यादा फॉलो नहीं किया है बट खतरों के खिलाड़ी मैंने काफी फॉलो किया है बिकॉज यू नो मुझे शुरू से समथिंग यू नो व्हेन पीपल ट्राई समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स once in a lifetime experience, so मुझे वो बहुत पसंद है वो शो, and fear factor पहले भी आता था and you know after that खतरों के खिलाड़ी, तो मैंने ये शोस काफी फॉलो किए हैं and I would love to go in something like that. Oh great, अच्छा अभी जैसे जैकलीन और बादशाह का गाना है मुझे अभी एंड उसके बाद आसिम कुछ बंगाली में ओके कुछ दो लाइन ओके तो कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप गाते हो, ये डेब्यू करवा रहे हो यहाँ पे जो भी इस समय जो बहुत बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत क्लोज हैं और वो सब सिंगर्स हैं और वो डेफिनेटली मेरा लाइव देखेंगे और उसके बाद मेरी क्लास ऑन कल्ला सोना बिकॉज वो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है जो मैं फ्रेंड्स के साथ गाती हूँ, आई डू इट राइट ना. तीन एल्बम्स आए थे आसिम हिमांशी देन अपना पारस एंड माहिरा एंड सो विच वॉज योर फेवरेट कौन सा आपको अच्छा लगा? बट यू नो सबका फ्लेवर अलग है, आई कांट रियली कंपेयर, बट सबसे ज्यादा मैंने भुला दूंगा देखा है बिकॉज आई कुड कनेक्ट टू दैट सॉन्ग मोर एंड सन्नास की मैं शुरू से ज्यादा थोड़ी बायस्ड फैन रही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई हैव सीन भुला दूंगा मोर, बट आई थिंक आई लव कल्ला सोना एंड भुला दूंगा. ओके चलिए
ओके आई थिंक यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ टैटू राइट बहुत सारे टैटूज आपने बनवा रखे हैं टैटू है लाइक इट्स अ सिंबल ऑफ समबडी हु इज स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट इट्स अ लोटस विद अ विंग एंड मेरा पूरा काफ पे टैटू है आई हैव लाइनस तो मैं काफी रिलेट कर पाती हूँ लाइनस से एंड मेरे हाथ पे भी एक टैटू है बीइंग मी जो मेरा हैशटैग है मेरे नाम के साथ तो यस आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ और अभी भी मॉम को कन्विंस कर रही हूँ एक दो और टैटूज के लिए आई थिंक अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होती तो बहुत सारे टैटूज होते बट यू नो वी हैव टू बी लिटिल रिस्ट्रिक्टेड कि कहीं ऐसे बनाओ कि एकदम सामने से नहीं दिखे तो आई एम बीइंग केयरफुल अदरवाइज यस आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ टैटूज एंड आई रियली लव टू सी किसी और के टैटूज भी देख के मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है तो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ इट Hi Kapil, hi Dreamy, hi Vivek, and okay, hi, right, hi Abhi, Kuna, love you, and thanks for coming on my live, Sanskar, hi. Okay, there are lot of people saying hi, hi Basim, hi Zoya. Sorry, I can't name everyone's name. Hi, hi. You can leave your mouth, and I'll definitely reply on my DMs. So yes, I might do a music video soon, but in fact, अगर ये lockdown नहीं होता तो काफी चीजें you know for us also बहुत सी चीजें confused state में आ गई हैं. अभी I also don't know कि पहले क्या start होगा क्या नहीं होगा चीजें. What is the exact position अभी lockdown के बाद क्या है status सब चीजों का. But definitely I had my meetings and there were few things which were finalized for me for a song and something. I will shoot for one of it very soon. कुछ south का भी है जो मैं शायद करने वाली हूँ. सीरीज सो लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइंड अप अभी मटेरियलाइज सबसे पहले क्या होती है वो ये लॉकडाउन के बाद ही पता चलेगा बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट तो अभी मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ जी पारस को बहुत सपोर्ट किया था आपने बिग बॉस 13 में है ना एंड मुझसे शादी करोगे मैं भी बहुत तारीफ की पारस ने आपकी तो लाइक व्हाट यू वांट टू से अबाउट द रिलेशनशिप आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पास्ट रिलेशनशिप क्या था सारी चीजें बट अभी मतलब क्या कहना चाहोगे आप उस रिलेशनशिप के बारे में चीजें हो गई हैं देन आई डू समथिंग ही से समथिंग वो एक सर्कल ब्रेक ही नहीं होगा तो हम दोनों ने अब इस चीज को काफी ब्रेक कर दिया है एंड आई वुड वांट कि लॉकडाउन चल रहा है देयर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी कैन टॉक एंड वी कैन डिस्कस इस टाइम में अपनी चीजें personally you know I don't want to talk and things right, over right. like kuch cheeze life have moved ahead so let's talk about things that are ahead of me not some things that I've left behind so yeah okay so abhi recently abhi tip share kiya tha hair ke liye to abhi next video kaun sa karne wale ho aap 3 years purana video hai maine pehle bhi share kiya tha बट उस टाइम शायद लोगों ने इतना इसे देखा नहीं था अभी लोग और काफी कंसर्न है काफी इंटरेस्टेड है लोग तो मैं अभी अपनी स्किन का एक और वीडियो है जो आज अपलोड करूंगी एंड लोगों को कुछ चीजें जो मैंने बताई भी है मेरी इजी टिप्स जैसे कि जो मैं घर पे भी कर रही हूँ मैं अभी आपके चार्ट से पहले भी करके आई हूँ मैंने अपने फेस पे हनी लगाया था फिर उसको 20 मिनट्स में मैंने वॉश किया Wow, that's why I think this is glowing so much. इतना glow हो रहा है face. I also love. अच्छा हनी के साथ क्या लगाया था आपने? हनी में कुछ भी किया? Finger से लेके okay, only honey. Face थोड़ा से dry होने दीजिए 20-25 minutes and just wash it. And मैं usually ice water से wash करती हूँ क्योंकि ये दोनों ही चीजें you know tightening में help करती है. It keeps your skin tight and glow आता है. So I do that and I'm gonna share that video for sure. So use all of that okay. guys and try to eat healthy or koi bhi cheez aap mujhse pooch sakte hain I'll try to reply all your questions hi okay so a lot of people guys please you can Akash is saying the world is so blue today thank you guys really Sunny you're so sweet yes all thank are you. Just You're looking damn pretty as always. Yes, she's looking damn pretty. Yes, so I'm glad. Because you know, थोड़ा सा मैं tension में आ गई थी कि यहाँ पे यार अभी I was missing my gym the most. सबसे ज़्यादा मैं अपने gym को miss कर रही थी, अपने trainer को miss कर रही थी. Because you know, एक routine था मेरा वो. And अभी यहाँ पे अब वो नहीं है. But I'm glad कि कुछ और चीजें मैंने explore की. थोड़ी सी yoga, meditation, कुछ you know floor exercises जो हम खुद से कर सकते हैं. And I think मैं काफी enjoy कर रही हूँ उस चीज को and I think ये routine मैं थोड़ा वहाँ पे भी follow करूँगी जो चीजें मैंने सीखी है and discipline आएगा थोड़ा life में and कुछ चीजें कि कम में भी कैसे आप खुश रह सकते हो और adjust कर सकते हो ये सब चीजें I'm sure सबने सीखी है because definitely हर चीज तो available नहीं है हम लोग सभी adjust कर रहे हैं and I think I'm glad कि
हम लोग सब इस चीज को काफी पॉजिटिव वे में लिया. इनफैक्ट आई एम ग्लैड कि लोगों ने फिफ्थ को भी दिया जलाया, कैंडल एंड सबसे यू नो एक ब्यूटीफुल मैसेज दिया दैट वी ऑल आर टुगेदर, वी स्टैंड यूनाइटेड. सो आई एम ग्लैड यार दैट पीपल आर टेकिंग दिस इन अ पॉजिटिव मैनर एंड अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस. यस, सो यू लव कुकिंग Akansha? आई डिडंट गेट यू. I don't cooking. Love cooking. I'm not so fond of you love cooking. But I'm a good cook. Sorry. Like whenever I cook, luckily sab acha hi banta hai. And obviously I stay alone. So there I do more of cooking when I'm at home. I try cooking. See, mummy to nahi. Aur yahan par to mummy hai to mummy cook kar rahi hogi proper. Acha ghar ka khana. So you know we have things. We are lucky. We are one of those few jo lucky hai jinke saath house help hai. And so na kaam nahi karna pad raha. बट मैं काफी उनके साथ खड़े रह के अभी बहुत सी चीजें सीखी है. घर पे जाके अकेले एक्सपेरिमेंट करूंगी एंड आई होप अच्छा हो एक्सपेरिमेंट. राइट, तो चलो छोटा सा एक गेम चैट करते हैं. ओके, सो हु इज योर फेवरेट कपल? सिद्धार्थ और आसिम हिमांशी. तो आई थिंक दे आर माय फेवरेट कपल बिकॉज सिद्धार्थ इज नॉट अ वेरी लिटिल. अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ वो नहीं किया है. So couple, if you're asking me, definitely it's Asim and Himanshi because they're real couple. I think film. Okay, and the film or web series? I watch. Abhi to obviously I'm watching. So you don't watch web series? Is my first choice. Like, agar nahi koi option mein dikhti hai, then I start with the web series. ओके, फेवरेट सॉन्ग भुला दूंगा कल्याण सोना सबसे ज्यादा कौन सा गाना आपने वॉच किया है? फेवरेट कौन सा था? मैंने सुना है और देखा है बिकॉज द फ्यू लिरिक्स एंड लाइंस दैट आई कुड रियली कनेक्ट टू इट प्लस दर्शन रावल. सो आई थिंक इसीलिए मैंने देखा. अगर आप पूछो तो सबसे ज्यादा देखा और सुना मैंने भुला दूंगा. तो अभी जैसे आपने बोला था ना, अगर आप कोई म्यूजिक वीडियो करना चाहेंगे तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम है जिसके साथ आप करना चाहेंगे म्यूजिक वीडियो? लाइक आई रियली लव हिज म्यूजिक वीडियोस जो होती हैं एंड कुछ क्रिएटिविटी, समथिंग डिफरेंट ऑलवेज. सो आई थिंक आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट एंड समथिंग इन पंजाबी लाइक विद हिम. ओके ओके, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी यू नो पर्सनल क्वेश्चन. लड़का कैसा पसंद है आपको? सिद्धार्थ और आसिम जैसे? इफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, सो मेरे काफी कुछ दोस्त रह चुके हैं तो मुझे पता है. सी बिकॉज मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे और उनका बस एक यही सवाल था कि आप Akansha से जब भी आप लाइव जाएं तो जरूर पूछिएगा कि उनको लड़का कैसा पसंद है, सिद्धार्थ आसिम या और कोई अलग, मतलब क्या ऐसा खास चाहिए? आसिम, बिकॉज मैंने आसिम को देखा है हाउ ही वाज, लाइक ही वाज लाइक अ बहुत डेडिकेटेड थे इवन जब हिमांशी नहीं थी तो यू नो हाउ ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हर, इतनी रिस्पेक्ट, इतना. एंड आई थिंक किसी भी लड़की को वो चाहिए, यू नो व्हेन अ गाय रिस्पेक्ट्स हर एंड ही वाज ऑलवेज. और जब तक उन्होंने वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं की कभी भी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कमिटेड है. जब वो सिंगल थी तभी उन्होंने उन्हें प्रपोज किया एंड दैट्स हाउ ही वेंट अहेड. सो आई थिंक एनी गर्ल वुड वॉन्ट टू गाय लाइक दैट. तो आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट समबडी जिनमें वो क्वालिटीज हो जो आसिम में है, जो मुझे एज एन ऑडियंस दिखी. हाय मोहसिन, हाय 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 प्रेम, हाय विनीत, हाय मधुरिका. ओके, ये एक्चुअली क्वेश्चन ही बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट है बिकॉज रश्मि मेरी डेफिनेटली, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनको. एक अलग रिस्पेक्ट है मुझे जो रश्मि के लिए है, प्लस वो इस इंडस्ट्री में मेरी बहुत सीनियर है, मैंने उनका काम देखा है. तो इट्स अ डिफरेंट रिस्पेक्ट दैट आई हैव फॉर रश्मि. बट शहनाज की मुझे जर्नी बहुत अच्छी लगी. सो एज अ पर्सन आई लव लाइक हर एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर समबडी लाइक हर जिनमें इतने गट्स है और उन्होंने अपना स्टैंड लिया अपनी हर बात का. तो यू नो दोनों की अलग अलग क्वालिटीज हैं जो मुझे बहुत पसंद है. सो आई कैन रियली चूज वन, आई लव बोथ ऑफ देम. ओके, अच्छा जस्ट टेल वन इमोशनल मोमेंट आपका लाइफ का, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट जो अभी तक आपको याद है. सी काफी इमोशनल, व्हेन यू गॉट वेरी इमोशनल डेफिनेटली रहे हैं. बट Obviously, यार मेरी लाइफ का आई थिंक एक फेज जो फ्यू मंथ्स से रहा है बहुत ज्यादा इमोशनल था. मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का सबसे एक ऐसा फेज है जो मैं अपनी लाइफ में थ्रू आउट याद रखूंगी. एंड सो आई थिंक ये इमोशनल फेज था मेरी लाइफ का. प्लस इस
फेज में मैंने बहुत सी चीजें अपने बारे में एक्सप्लोर करी, यू नो हाउ स्ट्रांग आई एम एज अ पर्सन, मुझे कितने लोग कितना प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट है मेरे पास लोगों का. एंड यू नो व्हेन यू आर ऑनेस्ट, जब आप हो तो लोग, ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, फैंस आर सो रियल. When they love you, they really love you. And you know, supporters, जो आपको नहीं जानते, नहीं जानते हुए, मैंने इतने लोगों को inspire किया. Yes. तो I think this was a very emotional phase. इसीलिए नहीं कि सिर्फ मैं upset थी, इसीलिए कि मैंने बहुत सी चीजों को, you know, I was happy also because I didn't know कि you know, बहुत ऐसा time होता है जब आपको आपकी value पता लगती है. तो I think I realized like how much people love me and how much they admire me and मैं लोगों की strength हूँ, मैं उन्हें inspire करती हूँ. तो I'm really glad. इस फेज को मैं हमेशा याद रखूंगी अपनी लाइफ में इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे. एंड आई लव यू गाइस फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, लाइक यू आर माय लाइफलाइन. आई कुडंट हैव डन दिस विदाउट ऑल ऑफ देम. लाइक आई रियली लव ऑल माय फॉलोअर्स, माय फैंस, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया. So anybody is asking for south projects, abhi koi ab south movie karne wale hain. Negative maine first time try kiya tha and was completely full of stunts and action and people have really loved me. To mujhe aise kuch calls aa rahe hain wahan se, but I think I would do a song soon south mein bhi. And I'm abhi wahan kuch finalize nahi hua, but meri definitely baat hui hai. So you will again see me in Tamil soon. Yes. Okay. उस टाइम जब आपके पास ग्राफिक्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, उसके बाद भी ये प्रोडक्ट देना ऑडियंस को, यू नो व्हाट दे हैव डन इन 87, सो यू नो इट्स लाइक कमेंडेबल. सो आई थिंक आई एम रियली, और मैं और देखने वाली हूँ, एंड बिकॉज इट्स लाइक आई कम फ्रॉम द सेम माइथोलॉजिकल सेक्शन, तो मुझे अच्छा लग रहा है वो देख के, यू नो दैट कम्प्लीटली 100% ऑन एक्टिंग उन्होंने वो शो चलाया है, बिकॉज दे डिडंट हैव ग्राफिक्स या उस लेवल की कॉस्ट्यूम्स जो आज फैसिलिटीज हम लोगों के पास है एज एक्टर्स. तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल. बिल्कुल. सो अभी हमने एक इमोशनल मोमेंट पूछा आपसे, अभी बेस्ट मोमेंट कौन सा था आपका लाइफ का? चीजों को जैसे आती जाती है वैसे लेती हूँ. तो अभी रिसेंटली मेरा बहुत हैप्पी मोमेंट हुआ था, जब मैंने मेरी मूवी जो एक्शन है उसके लिए स्टंट्स किए थे. मैंने अपनी मूवी में कोई डुप्लीकेट्स यूज नहीं करे, हर स्टंट मैंने खुद किया है. एंड देयर वाज अ फॉल जो कि 25-30 feet की फॉल थी, एंड वो स्ट्रेट इन वॉटर. सो आई डिड इट विद माई को स्टार विशाल, जो वहाँ के बहुत बड़े स्टार है. एंड आई थिंक उस चीज को जब स्टेज पे जाके मेरे एक्टर जो मेरे को स्टार थे, तमन्ना जो मेरे मूवी में फीमेल लीड थी, और विशाल और डायरेक्टर एंड एक्शन, सब लोगों ने जब वो जाके मेरी तारीफ की, एंड एवरीवन वाज क्लैपिंग एंड एवरीवन लव्ड इट, दे लव्ड मी फॉर माय वर्क, एंड दे फेल्ट दैट दिस मूवी कुडंट गेट अ बेटर एक्टर देन मी, एंड आई लव्ड इट. आई थिंक दैट वाज माय मोमेंट जो रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया. आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड एक्सपीरियंस दैट. मेरी फेवरेट मूवी जो सबसे ज्यादा मैंने देखी है वो है, मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन रही हूँ शुरू से. मैंने उनकी चांदनी मूवी, लम्हे, चालबाज, ये कुछ मूवी है जो मैं हमेशा देखती हूँ. मेरा मूड चेंज हो जाता है इन मूवीज को देख कर. सो दीज आर फ्यू मूवीज जब भी आप देख सकते हो, और ये ऐसी मूवीज है जो जब भी अगर टीवी में या चल रही होती है तो हम हाँ, जब भी देख सकते हैं. कितनी बार लक बाय चांस एंड लॉट ऑफ मूवीज दैट आई लव, बट या श्रीदेवी की मूवीज आर लाइक माय फेवरेट. सो अभी हम ऐसा कुछ पूछते हैं कि अभी लाइफ में ऐसा नहीं लाइफ जो आपने नहीं किया और यू वांट टू डू. सोलो ट्रिप नहीं किया जो मैं करना चाहती हूँ. मैं कुछ एडवेंचरस सोलो ट्रिप पे जाना चाहती हूँ. यस ओके, बहुत मजा आएगा. अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो वो प्लान करती, बट ये हो गया. सो आई थिंक आई एम गोना प्लान समथिंग लाइक अ सोलो एडवेंचरस ट्रिप वेरी सून.
is. That is something I'm looking for. Yeah. Okay. See, so where you want to go? Went with Italy. So, wo meri first choice thi. But let's see. Maybe I'll go to Australia, like, or something more adventurous. I'm still. If you guys have any suggestion, please give me. So I'm still finalizing the place, but I want to go. Yes. Favorite okay. dish. Okay. Your favorite dish. Indian thoda kam pasand hai. Like people know who know me that main Indian kam khati hu because mujhe thoda bland aur thoda kam masale wali cheeze pasand hai. So I think anything okay. which is not Indian, but meri weakness sweets hai jo zyada logo ko nahi pata. And I think mujhe rasgulle, tiramisu and creme brulee ye kuch desserts hain jo mujhe bahut pasand hai. Cakes mujhe bahut pasand hai. तो ये मैं कभी भी मना नहीं करती. मैं कितनी भी डाइट पे हूँ, अगर ये मेरे सामने आ जाए तो इसलिए मैं हमेशा विश करती हूँ कि मेरे सामने आए ना, बिकॉज़ मैं मना नहीं कर पाऊंगी. मेरे पास एक एक्सक्यूज होता है कि यार इट्स बर्थडे केक ना, मैं उसे खिलाऊंगी तो मुझे भी खाने को मिलेगा. तो आई थिंक आई लव इट. ये मेरी वीकनेस डेफिनेटली है. आई थिंक मेरे ख्याल से कमेंट्स पे कुछ लड़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भागो. लाइक द फैंस वुड ट्राई टू ईच अदर. मैसेजेस दे चुकी हूं दैट लेट्स नॉट फाइट दिस. पीपल हैव बिगर प्रॉब्लम देन दिस एंड लेट्स नॉट फाइट. ये ट्रोलिंग जो आप लोग आपस में कर देते हो और इसके फैंस उसके फैंस आपस में लड़ने लगते हैं, लेट्स नॉट डू इट बिकॉज़ वी वांट योर सपोर्ट एंड लव. या वी डोंट वांट टू सी ऑल दिस इन आवर लाइव चैट्स और एनीवेयर. So guys, please don't do it. Haan, because social media pe na bahut effect karti hai trolling and all. They just bahut addict karke fans put something and all. It's okay. Bahut sari cheeze aati hai samne par. Kabhi wo heat of moment mein bahut sare log bahut kuch keh dete hain. Later on mujhe unke messages bhi aate hain. But it's okay. Right, बहुत सारे कुछ होते हैं. मैं हर चीज को काफी पॉजिटिव लेती हूँ, because you know ये लोग अगर मेरे चैट पे आए हैं और इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना 20-30 मिनट्स, so thank you for that. Yeah, but अभी सेम भी देवोली ना, मतलब यू नो ट्रोलर्स दे पुट समथिंग एल्स. सो फैंस कुछ और लिखते हैं कुछ फैंस, क्योंकि बिकॉज हर किसी के अलग अलग फैंस. डेफिनेटली इफ आई टॉक अबाउट योर फैंस, देवोली ना के फैंस, रश्मि फैंस, मायरा फैंस, सबके अलग हैं, प्लस सबकी ओपिनियंस अलग है. बट ऑब्वियसली वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है वी आर पब्लिक फिगर्स, वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट आवर वर्ड, व्हाट वर्ड्स वी चूज. We have to be little careful. हम लोग एकदम कुछ भी नहीं बोल सकते, बिकॉज काफी लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं एंड वी हैव अ इमेज दैट वी कैरी. सो डेफिनेटली वी नीड टू बी केयरफुल, बट किसी के ओपिनियंस पे आप उन्हें जज मत करिए. सबकी अलग चॉइस होती है, तो इट्स ओके यार. कोई किसी का फैन है, किसी का नहीं है, तो दैट्स कम्प्लीटली ओके. वी आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल यार. सो आई कुछ लोग इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं और नहीं सुन रहे. स्पेशली यू नो बाहर निकल रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं एंड कि हम इधर उधर से निकलेंगे. मेडिकल स्टोर्स पे जब वो जा रहे हैं या स्पेशली जब वो सामान लेने जा रहे हैं, जनरल स्टोर पे जा रहे हैं, वी नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज वही एक सोर्स, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम ये चीजें अपने घर में ला सकते हैं. तो जब आप बाहर जाओ तब भी आप केयरफुल रहो. जब आप उन चीजों को, सामान को लेकर, काफी मैंने देखा लाइक हिना खान ने और बहुत से ऐसे लोगों ने वो वीडियोज भी डाली जिसमें जिसमें जब आप सामान लाते हैं, putting that videos, putting that mask and gloves and all. मुझे बहुत अच्छी लगी जो हिना खान ने एक वीडियो डाली थी. उन्होंने काफी अच्छे से दिखाया जब वो शॉपिंग करके आई थी तो सामान को उन्होंने कैसे धो के अपने घर में रखा, कैसे उन्होंने चेंज किया, अपनी हर चीज को वॉश किया. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस. बाकी तो हम लोग डेफिनेटली सेफ हैं जब तक अपने घर पर हैं, पर जब आप लोग बाहर जाते हैं तो नीड टू बी केयरफुल. और जो बाहर से जो चीजें अंदर लाते हैं घर में, मेक श्योर यू वॉश देम एंड टेक ऑल द राइट precautions. And definitely, like I told you, पहले भी डर के रहोगे तो safe रहोगे. तो it's no harm in getting scared, because let's be scared of this. Let's stay at home and stay safe. And thank you so much, Rupali. It was lovely talking to you. And yes, yes, it was lovely talking to you. And fans, please, Akansha फिर एक video लेकर आने वाली है अपना skin के ऊपर, right? Right, Akansha, do watch it and.
I'll do watch and जरूर मैं आपके वीडियोस देखने वाली हूँ because you know I am very what birthday man अरे वाह प्लीज मेरे को आप डीएम करिएगा है ना चलो पर्सनल ओके नाइस टॉकिंग टू यू टेक केयर बी सेफ बाय बाय ऑल ऑफ यू थैंक यू बाय बाय सो गाइस अभी हम थे आकांक्षा पुरी के साथ लाइव तो अच्छा हम एक बार देख लेते हैं आप लोगों ने क्या क्या भेजा है ओके हाय ऑल ओके हाय प्रेम माय गॉड आकांक्षा पारस आकांक्षा से ही भरा हुआ है पूरा लाइव से सो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये लाइव वीडियो और लॉकडाउन चल रहा है आप लोग क्या क्या कर रहे हैं वो हमें बताइएगा और हमारा ये वीडियो अगर आपने अभी लाइव चैट नहीं देखा है तो आप हमारा ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल है टेली टशन और बॉलीवुड टशन आप उस पर देख सकते हैं हम उसको अपलोड करेंगे और हमारा इंस्टाग्राम पेज है बॉलीवुड कलर बिग बॉलीवुड बॉलीवुड टशन टेली टशन आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा कल हम फिर आएंगे आपके साथ 2 बजे लाइव तो आप तैयार हैं कल के लाइव के लिए मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अच्छा अच्छा अभी भी बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं हाय ज़ियान हाउ आर यू हाय संस्कार ओके बाय एवरीवन एक बार अच्छा सब लोग बोल रहे हैं एक बार हम हाय साक्षी हाय अन्वेश ओके हाय एवरीवन मैं आपको बता देती हूँ यस सो बाय एवरीवन कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ हम लाइव आएंगे और 2 बजे लाइव आएंगे तो आप तैयार रहिएगा हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए हमारे साथ अलीशा पनवार होंगी कल 2 बजे तो आप कुछ भी क्वेश्चंस उनके से पूछना चाहते हैं तो आप तैयार रखिएगा क्वेश्चंस मैं आपके साथ कल 2 बजे आऊंगी इसी चैनल पर बॉलीवुड कलर इंस्टाग्राम पेज पर तब तक के लिए बाय एंड प्लीज घर पर ही रहिएगा बी सेफ एंड टेक केयर बाय बाय